दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं AMD प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों AMD जो प्रोसेसर है उसमें कई सारे जनरेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन वो जो जनरेशन है वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं होता है। और जब कोई भी आदमी यहाँ पे ख़रीदने के लिए जाता है कि AMD प्रोसेसर को, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है कि AMD जो प्रोसेसर है उसमें जनरेशन कौन सा है। क्योंकि जब भी आप कोई प्रोसेसर ख़रीदते हैं तो वहाँ पे जो है वो आपको देखना पड़ता है कि लेटेस्ट जनरेशन कौन है, या फिर एक साल पुराना खरीदने की कोशिश करते हैं। इंटेल प्रोसेसर में जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वहाँ पे मेंशन भी होता है कि कौन सा जनरेशन, 8th जनरेशन है या फिर 9th है या फिर 10th है, आसान है वहाँ पे। लेकिन AMD के जो प्रोसेसर होते हैं उसमें कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि जो AMD के प्रोसेसर है वो मेंशन नहीं करती है कि कौन सा जनरेशन का प्रोसेसर है। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये जो AMD प्रोसेसर है वो कौन सा जनरेशन का है। अभी तो चलो ठीक भी है कि जो राइजन 3 है, राइजन 5 है या फिर 7 है या फिर 9 है, उसमें आसान हो गया है। लेकिन जो पहले आते थे एथेगोन नाम से, ए सीरीज़, ई सीरीज़, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड रहता था और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे समझ में भी नहीं आता था। तो यहाँ पे आज हम आपको कुछ डिटेल्स बताएंगे इसके बारे में, जिससे आप यहाँ पे पहचान सकते हैं कि जो AMD का प्रोसेसर है उसमें कौन सा जनरेशन है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर की बात करूँ, तो जब भी आप प्रोसेसर खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे आपको फैक्टर देखने को मिलते हैं। आप सिर्फ जनरेशन को पता करके ही प्रोसेसर को मत खरीदिए, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं कि जो प्रोसेसर है उसका जनरेशन कौन सा है, कितने कोर्स है, कितने थ्रेड्स है, बेस फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती है, कैश मेमोरी क्या है या फिर TDP क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन सारी चीज़ों पे मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बहुत बड़ा वीडियो देखने को ना मिले, हम एक एक करके हर एक चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। तो इस वीडियो में हम बेसिकली यहाँ पे बात करने वाले हैं जनरेशन के बारे में कि जनरेशन को कैसे पता करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पे प्रोसेसर खरीदते हैं तो वहाँ पे दो कैटेगरीज में प्रोसेसर मिलते हैं, एक होते हैं डेस्कटॉप के लिए और एक होते हैं यहाँ पे लैपटॉप के लिए। जो लैपटॉप के लिए प्रोसेसर आते हैं उसका नाम दिया जाता है मोबाइल प्रोसेसर। अब ऐसा नहीं है कि मोबाइल नाम है तो मोबाइल के लिए वो होगा, स्मार्टफोन के लिए नहीं, वो लैपटॉप के लिए है। और यहाँ पे होता है एक डेस्कटॉप प्रोसेसर, यानी दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। जो डेस्कटॉप प्रोसेसर है और जो यहाँ पे मोबाइल प्रोसेसर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं समझ सकते। वहाँ पे जो नंबरिंग होती है वो अलग होती है और यहाँ पे जो नंबरिंग होती है वो अलग होती है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ जिनसे आपको बिल्कुल भी आसान तरीके से पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं डेस्कटॉप प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट जनरेशन आया, उसके बाद सेकेंड जनरेशन, और उसके बाद यहाँ पे थर्ड जनरेशन आया, फोर्थ जनरेशन अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर के नेम भी है वो भी इंटेल की तरह जैसे रख दिए गए, जैसे कि इंटेल में आसान हो कि i3 है, i5 है, i7 है। जैसे कि यहाँ पे i3 है वो बेस लेवल के लिए आ जाता है, जो i5 है वो अगर आप हल्का फल्का मिड रेंज में करना चाहते हैं तो है, और उसके बाद जो राइजन 7 है वो थोड़ा पे हो जाता है थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए। तो यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे इसका भी नामकरण किया गया है, जो कि है राइजन 3 बेस के लिए, राइजन 5 मिड के लिए, और राइजन 7 जो है वो एडवांस के लिए, और राइजन 9 जो है वो उससे ऊपर एडवांस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो राइजन 3 है या फिर 5 है या फिर 7 है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें जितने भी प्रोसेसर आपको देखने को मिलेंगे उसके नंबर जो होते हैं, जब भी आप कोई प्रोसेसर देखते हैं तो वहाँ पे कुछ नंबर लिखे होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे होगा 1200X, 1300, 1300X, 1400, ऐसे देखने को मिल जाएंगे, 1200 या फिर 1100 ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो तरीका है जिसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखने को मिलते हैं, ये है यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन। इससे आप ये पहचान सकते हैं कि ये जो है वो फर्स्ट जनरेशन है। ऐसे ही अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें तो जो नंबर होंगे उसके शुरू में, यानी फर्स्ट में आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर देखने को मिल जाएंगे, मतलब 2 से शुरुआत होगी उसकी। जैसे है यहाँ पे 2600, 2600X, 2600X, 2700 ऐसे देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड जनरेशन की, तो वहाँ पे जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे 300 से शुरू होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बात करूँ तो 3500, 3600X, 3700, 3700X, 3800, 3800X ऐसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है जो नंबर 3 से स्टार्ट होता है ये थर्ड जनरेशन है, बहुत ही आसान है यहाँ पे। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे मोबाइल प्रोसेसर की, तो यहाँ पे जो है वो फंडा अलग हो जाता है। यहाँ पे आपको दो सीरीज़ में देखने को मिलती है, एक है यहाँ पे H सीरीज़ और एक है यहाँ पे U सीरीज़, और इसी में एक और देखने को मिल जाता है जो कि इस बार आया है HS सीरीज़। इसमें क्या डिफरेंस है? ये जो तीनों यहाँ पे सीरीज़ है उसमें ये है कि H का मतलब है कि हाई लेवल की परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो U है उसमें आपको थोड़ा सा बेस लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और जो HS है वो यहाँ पे मिडिल में आ जाता है। तो तीन कैटेगरीज में यहाँ पे बांटा गया है। तो यहाँ पे जो राइजन 3 है या फिर 5 है या फिर 7 है, इसमें आपको देखने को क्या मिलता है कि अगर फर्स्ट जनरेशन है तो इसमें भी सेम चीज़ यही है कि नंबर 1 से स्टार्ट होगा,
टू है तो यहाँ पे टू से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे थ्री है थर्ड जनरेशन का है तो थ्री से स्टार्ट होगा। अभी इसमें यहाँ पे 4000 सीरीज़ वाले प्रोसेसर भी आ चुके हैं जिसमें जो नंबर है वो 4 से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ, थर्ड जनरेशन की बात करें तो 3500, 3550, 3750 HU ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे ये पता चलता है कि ये जो प्रोसेसर है वो किस लेवल का देखने को मिल जाता है। तो इससे भी आप जनरेशन का यहाँ पे पता कर सकते हैं। वही दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट जनरेशन चल रहा है लैपटॉप में वो ये है कि जो प्रोसेसर है वो 4000 सीरीज़ के देखने को मिलती है, यानी 4600, 4700, 4800, 4900, 4900 ऐसे आपको देखने को मिल जाता है। जो 4600 है वो Ryzen 5 है, जो 4800 Ryzen 7 है, 4900 है वो यहाँ पे Ryzen 9 है। तो इस तरीके से जो प्रोसेसर है उसको आप यहाँ पे पहचान सकते हैं कि ये जो प्रोसेसर है वो किस जनरेशन का है। तो दोस्तों, आई होप ये जो वीडियो है वो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते रहेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, और मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।